आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही अपना जो भी कमेंट से दीजिएगा, ठीक है। पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, ऊपर ऊपर पढ़कर मत बोलिएगा। मैंने आपको अच्छे से समझाया और आपके बारे में ही बताया ये चीज पूरा डिटेल में, ठीक है, आपके भलाई के लिए। जैसे आप सभी को बोला जा रहा है कि आज के दिन जो है आपका रिजल्ट आने वाला है ग्रुप डी का रात को 11 बजे, और रात को 11 बज चुका है और अभी मैं आप सभी के सामने भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं, या फिर मैं आपको दिखाऊं आरआरबी मुंबई, आपके बगल में आरआरबी कोलकाता, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी अहमदाबाद, हर एक ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा हूँ। कोई रिजल्ट अभी तक तो नहीं आए, मे बी हो सके आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सारे स्टूडेंट बहुत सुबह से वेट कर रहे हैं, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 13 को आएगा, 17 को आएगा, फिर 20 को बोला जा रहा है। लेकिन इन सबों के बीच में मैंने एक चीज नोटिस किया, ठीक है, आप लोग उस चीज को पहले समझिए। या को अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस पर लेकर जाकर दिखाऊं ये न्यूज़पेपर पर, तो यहां पर देखो जो आज ये जो डेट पब्लिश हुआ है 17 फरवरी को, और यही चीज डिटो एक एक लाइन 16 तारीख को भी पब्लिश हुआ था और 11 तारीख को भी सेम लाइन ही था, और वहां पर भी यही बोला जा रहा था उस दिन भी कि अंगराज मोहन बोले हैं, और सेम लाइन, बस यहां पर जो अंतर था ना, यहां पर था शनिवार और 13 तारीख का डेट था, लेकिन आज संडे है, उस दिन रिजल्ट नहीं आया, तो बस ये तारीख चेंज कर दे रहे हैं। इसका आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि सुबह से कितने सारे कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं, कितने सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये मजाक मत बनाइए, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसका मतलब तो ये होता है, या तो अंगराज मोहन झूठ बोल रहे हैं, या फिर जितने भी न्यूज़पेपर है जो प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, कभी एनडीटीवी इंडिया पर, या फिर आप बोल सको जी न्यूज़ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हिंदुस्तान पर, या फिर एनडीटीवी खबर पर, टाइम्स नाउ पर, सभी पर आप देखोगे ना, मिला जुला कर आपने नोटिस नहीं किया होगा, उनका लाइन बाय लाइन सबका एक ही है, यही चीज कल पब्लिश हुआ था, लेकिन बस जो अंतर था ना, यहां पर संडे के जगह पर शनिवार था, 11 बजे अंगराज मोहन बोले, और सभी के अंगराज मोहन अलग अलग सभी को बोल रहे हैं कि आ जाएगा आ जाएगा, मतलब ये डेली न्यूज़पेपर को टाइम निकालकर झूठ बोल रहे हैं। ये तो या तो ये चीज है, या दूसरा चीज ये है कि न्यूज़पेपर झूठ बोल रहा है। अब ये दोनों जाने कि झूठ कौन बोल रहा है, लेकिन इसमें पीस कौन रहा है, इसमें पीस रहे छात्र, ठीक है। तो मैं बार बार बोलूंगा, जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके बारे में सोचिए, अगर रिजल्ट आता है तो पल पल का जो भी अपडेट है सबसे पहले ले जाकर आपको दूंगा सक्सेस की 98, ठीक है। और एक बात मैं आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन है उनको मैं एक बात बोल दूं कि देखिए, रिजल्ट आते ही आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट नहीं खुल रहा है, और आपको यह भी पता है कल एएलपी का जो आंसर की है वो रिलीज होने वाला है, और मैंने सुबह भी बोला था कि बहुत ज्यादा चांसेस है, देखो जाकर वीडियो मैंने डाला था कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि रिजल्ट ना आए, अगर आ जाता है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रीजन कहीं ना कहीं ये है कि जब ग्रुप डी का आंसर की रिलीज हुआ था आंसर की, तब पूरा साइट हैंग हो गया था, और आपको पता है कि कल जो है आपका आंसर की एएलपी का आने वाला है, तो एएलपी का भी और ग्रुप डी का भी संग संग दिखाना थोड़े से गैप पर बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं यही बोलूंगा, जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ कम से कम खिलवाड़ मत करिए। डेली आप एक ही चीज, एक ही कटिंग दिखा रहे हैं और उसमें बस डेट चेंज कर दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हमें ये बोले हैं वो बोले हैं, यार यहाँ पर फ्यूचर का सवाल है बच्चों का, ठीक है, यहाँ पर। और रेलवे क्लियर बोला है जो भी आएगा आपको पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, बहुत सन इस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद पूरा अपना निर्णय लीजिएगा, गाली दीजिए जो भी कॉमेंट में करना है।